नमस्कार, गुड इवनिंग राधे राधे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी हम लोग एकदम तैयार हैं और क्लास एकदम रेडी है। आप लोग आ जाओ फटाफट। शुरू हो गई कि नहीं? अब देखो जरा, अब हमको लग रहा है शुरू हो गई है। हाँ, एकदम एकदम स्टार्ट हो गई है। चलो आ जाओ सब फटाफट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, कोई ग्लिच था जिसकी वजह से जो है क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी, अभी एकदम शुरू है। ठीक है, चलो। तो कुछ बदलाव हैं अपने, और आप सबको पता है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर आपकी पूछी जाती है, तो उसके लिए अपना एक बैच चल रहा है जिसका नाम है आरंभ बैच। 1299 रुपए इसकी फीस है। इसके अलावा 29 रुपए में अपनी टेस्ट सीरीज जो है, आईलव सुंडा सीरीज की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। साथ ही उसकी टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है आपको ऐप को डाउनलोड करने के बाद, और मुझे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके बता देना है, और मैं आपको QR कोड भेज दूंगा जिससे आप उस पे पेमेंट कर पाएंगे, और मैं उसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है, इसी प्रकार से सारे बच्चों ने एडमिशन अभी तक लिया है, ठीक है। और एग्रीकल्चर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं जहां पर बेसिक एग्रीकल्चर आती है, तो उसके लिए आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक बदलाव कर रहे हैं। आज तो कुछ खास बात है सर जी के लिए। क्या खास बात है? अच्छा, शर्ट। अरे, गोवा वाली फीलिंग ले रहा है। चलो, तो चर्चा हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ बदलाव है अपने प्लान में। तो प्लान में क्या बदलाव है इस पे बात करते हैं। पहले तो देखो, रेगुलर सुंडा वाली क्लास आपको देने में मुझे भी समस्या होती है और आपको भी बहुत समस्या होती है रेगुलर इस क्लास को करने में। तो हमने एक प्लान सोचा है कि अच्छा, इससे आपका फायदा क्या होगा, रेगुलर क्लास में हम लोग रखेंगे MCQ को, ठीक है। रेगुलर क्लास जो रहेगी वो रहेगी MCQ की, ठीक है। ये डेली वाली क्लास जो हम लोग चलाते हैं 1 घंटे की, ये MCQ की चलेगी। और संडे को हम लोग मैराथन के तौर पर 3 से 4 घंटे की एक प्रॉपर क्लास लेकर आएंगे नेमरा सुंडा की। इससे जो है बड़ा सिलेबस भी कवर होगा, क्योंकि सुंडा बहुत गहराई में लिखी हुई किताब है, और 1 घंटे आधे घंटे में उसमें कुछ भी कंटेंट क्लियर नहीं हो पाता, बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो है रेगुलर MCQ हम लोग करवाएंगे यूट्यूब पर, वो आपकी क्लास प्रॉपर 1 घंटे की चलेगी। इसके साथ में जो सुंडा सीरीज है उसको हम लोग जो है 3-4 घंटे का रखेंगे, लेकिन रविवार को, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर ये होगा, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस ये मिल जा रही हैं जो टेस्ट मतलब क्वेश्चन आंसर वाली होती है, इससे आपका जो है ज्ञान और बढ़ेगा। दूसरा ये होगा, सुंडा क्लास जो आप पूरे हफ्ते में पढ़ते हो उसको आप एक क्लास में समाहित करके जब चाहोगे एक साथ कंबाइंड पढ़ पाओगे, और एक साथ वो रहेगा तो आपके लिए पढ़ना भी आसान रहेगा। एक हफ्ते का आपको समय भी मिल जाएगा कि अगर मान लो भाई साहब कभी भी आप आज फ्री हो, आज बिजी हो, तो कल आपने पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, और आपको शेयर भी करने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। हफ्ते में एक क्लास आपको स्टेटस पे लगाने में भी इशू नहीं आएगा। अच्छा, ये रेगुलर क्लास हो जाती है, आप लोग सोचते हो कहां तक इन्हीं का स्टेटस लगा के रखें, तो वो एक फायदा रहेगा कि हफ्ते में भाई एक बार स्टेटस लगाना है, एक बार उसको प्रमोट करना है, एक हफ्ते तक वो लगातार चलेगी, आप लोग आराम से उसको 1K एक हफ्ते में पार करवा देना, अगली क्लास आपको अगले संडे को मिल जाएगी, ठीक है। इससे एक बेहतर तरीके का जो है कम्युनिकेशन हो जाएगा, 4 घंटे की क्लास मिलेगी, MCQ भी मिलेगा आपको, और पेड वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो क्लास अपनी जो मिल रही है एंटमोलॉजी की वो तो मिलती ही रहेगी, ठीक है। CUT एग्जाम का डेट बढ़ेगा क्या PG के लिए? हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं कि डेट बढ़ जाए। आशुतोष प्रजापति ऐड नहीं हुआ है, टेस्ट सीरीज लिया है। अच्छा, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे, तब तो मैं देख पाऊंगा, ठीक है। एक बार आप मैसेज करिएगा, जो समस्या होगी मैं उसको फिक्स करवा दूंगा। अबे भाई, यहीं से लिए हैं, गोवा नहीं गए थे, इलाहाबाद के ही है। चलो, मस्टर्ड और रेपसीड आज हम लोग सुंडा वाली क्लास कर लेते हैं, और एक छोटी सी जो है टाइमिंग बचेगी इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन की, उसके बाद हम लोग वीड साइंस स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो है क्रॉप प्रोडक्शन के बाद वीड साइंस है, और वीड साइंस के बाद शायद सोयल साइंस है, ठीक है। तो इसके बाद वीड साइंस स्टार्ट हो जाएगी, तो मंडे से जो आपकी क्लास चलेगी, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, मंडे से जो आपकी क्लास चलेगी वो मंडे से क्लास चलेगी MCQ की, और उसके बाद संडे को प्रॉपर 3-4 घंटे की क्लास चलेगी। तब तक हम संडे तक अच्छे से PPT डेवलप कर लेंगे, थोड़ा सा फोटोज। अच्छा, इसमें क्या होता है, PPT भी बहुत बेहतर नहीं बन पाती है, क्योंकि मुझे बहुत इंस्टेंट बनानी पड़ती है। इंस्टेंट PPT बना दे तो बहुत बढ़िया काम हो नहीं पाता, कि जो ऑफिस जाना, इन सब चीजों में फंसे रहना। अच्छा, जब हमारे पास रात में टाइम रहेगा, हम थोड़ी थोड़ी करके PPT बनाते रहेंगे और एक हफ्ते तक बनाएंगे, 4 घंटे का कंटेंट भी तैयार हो जाएगा, फोटोज वगैरह भी हमको जहां पर जो ऐड करना जरूरी लगेगा वो ऐड कर देंगे, ठीक रहेगा। चलो,
ठीक है, गोवा से नहीं लाए यार, यहीं की है अभी, गोवा गए नहीं हम, पहुंचे नहीं कभी। मस्टर्ड और रेपसीड हम लोग पढ़ते हैं आज, ठीक है। चलो तो मस्टर्ड रेपसीड में पहला जो हमारा साइंटिफिक नेम है ये जानना है, तो ब्रेसिका स्पसीज होता है, ब्रेसिका स्पसीज होता है। आप पूछोगे ब्रेसिका क्यों, क्योंकि भाई साहब ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली है इसकी, तो ब्रेसिका इसके आगे नाम के आगे जुड़ गया। अच्छा, इसके अलावा ब्रेसिकेसी हो गया। इसके बाद जो है कंप्रेस्टिस है, बहुत सारी चीजें हैं। अभय सिंह, अवस्थी सर है ना पीपीटी के लिए? हाँ अवस्थी सर हेल्प करते हैं, लेकिन यार कंटेंट पढ़ाना हमें तो वो तो हमें ही देना पड़ता है ना, वो सिर्फ जो है लैपटॉप में उसको डालने का काम करते हैं, कंटेंट डालना, फोटो वगैरह जो भी करना, वो सारा काम तो हमें करना पड़ता है, तो हमें समय की दिक्कत होती है ना। वो तो ठीक है, वो कर लेंगे, हेल्प करते हैं वो तो कर लेंगे, उनको कोई समस्या नहीं, वो डेली भी बना लेंगे। वीट साइंस के बाद हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर दो, क्रम रहेगा अमरदीप, ऐसे नहीं हो पाएगा कि क्रम टूट जाएगा। सॉयल साइंस, सॉयल साइंस के बाद शायद हॉर्टिकल्चर है, सॉयल साइंस के बाद हॉर्टिकल्चर चल जाएगा, निश्चिंत रहो, खत्म करवा देंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो ब्रेसिका स्पीसीज साइंटिफिक नेम है। अगर बात करें पंजेंसी यानी कड़वाहट की, देखो हिंदी इंग्लिश वाले परेशान ना हो, मैं शब्द लिखता रहूंगा इससे आपकी समस्या ना हो। तो कड़वाहट क्यों होती है सरसों में, तो होती है आइसोथायोसाइनेट के कारण। क्यों होती है? अच्छा, जहां पर भी हमने आप पहले बताया था आपको थायो शब्द जुड़ा दिख जाए, थायो की बात आए, तो वहां पर समझ जाना तेल की बात हो रही है, सल्फर की बात हो रही है। ये तीन शब्द आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, यानी जहां पर भाई साहब तेल के बारे में कोई बात हो रही है और वहां ऑप्शन में आपको थायो लिखा दिख जाए, आप समझ जाओ कि भाई साहब ये है कहीं ना कहीं। अगर तेल की बात हो रही सल्फर नजर आ रहा है, भाई साहब समझ जाओ है कहीं ना कहीं। सल्फर की बात हो रही थायो लिखा ऑप्शन में दिख जाए, समझ जाओ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चीजों को समझ जाओ कि थायो, तेल और सल्फर, ये भाई साहब एकदम घालमेल वाली चीजें हैं, ये ऐसे जो है आपस में व्यवहार से काम करते हैं, ठीक है। तो आइसोथायोसाइनेट की बात हो रही है, ऑयल वाली क्रॉप है हमारी मस्टर्ड, आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है क्या, कड़वाहट। एंजाइम हाइड्रोलिसिस के लिए इसमें पाए जाते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स, एंजाइम को तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन करने के लिए इसमें पाए जाते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स, सारे क्रूसीफर्स में ये पाए जाते हैं, जितने भी क्रूसीफेरी कुल के हैं सब में ये पाए जाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक ग्लूकोसिनोलेट। कह रहा है चूंकि इसके जो खली होती है मस्टर्ड की, इसकी खली में टॉक्सिक ग्लूकोसाइनोलेट्स पाए जाते हैं, और टॉक्सिक ग्लूकोसाइनोलेट्स पाए जाने के कारण क्या होता है, ये अनसुटेबल होते हैं किसके लिए, भाई साहब प्रोटीन का स्रोत है लेकिन ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए कैसे हैं, सुटेबल नहीं है। सुटेबल ना होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये कैसा, इसमें ग्लाइकोसिनोलेट्स पाया जाता है, टॉक्सिक पाया जाता है। दो या तीन संडे में एक सब्जेक्ट करवा दो, मजा आ जाएगा। हाँ प्रयास यही रहेगा कि एक संडे में जब 3-4 घंटे की क्लास चलेगी तो काफी लंबा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे, और उसका फायदा भी आपको मिलेगा, एक कंबाइंड क्लास रहेगी, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी उसको, ठीक है, इसीलिए हम ये सोचे हैं। और फायदा ये भी रहेगा, एक्स्ट्रा क्लास आपको ये मिल जाएगी। संडे वैसे हमारा ऑफ रहता था, और हमने सोचा था कि संडे को कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा काम हो जाता है, तो संडे को घूमने का रखेंगे अपना, नहीं तो फिर माइंड जो है डाइवर्ट होने लगता ना, अगर लगातार आप रूटीन एक ही बना ले तो काम करने से मन भागने लगता है फिर। तो मैंने सोचा है कि अब वो थोड़ा सा घूमने टहलने वाला वो सब काम शाम को कर लिया जाएगा, लेकिन दिन में आपकी क्लास जो है लगा के प्रॉपर 10 बजे से लगा के 2 बजे तक इस टाइप से क्लास लगाकर आपकी क्लास ले ली जाएगी संडे को, ठीक है। चलो इसके बाद हमने कहा टॉक्सिक ग्लाइकोसिनोलेट्स पाए जाते हैं, इसके कारण इसकी जो खली होती है मूंगफली मस्टर्ड की, सरसों की, उस खली को ना जानवरों को खिलाया जा सकता है ना इंसान खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक ग्लाइकोसिनोलेट्स मैंने बता दिया, इट कॉजेज गोइटर एंड इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द अपर लिमिट इट फिक्स 0.5% बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने कहा कि भाई साहब तेल को खाना है अगर आपको, तो कम से कम 0.5% से ज्यादा इसमें ग्लाइकोसिनोलेट्स नहीं होना चाहिए, सरकार ने ये फिक्स कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से अगर ये भाई साहब 0.5 से ज्यादा जाता है तो रोग फैलाता है। कौन कौन से रोग फैलाता है, पहली बात तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को ही कम करता है, और दूसरी बात इसकी वजह से घेंघा रोग होता है। अब आप लोग बताओगे घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, एक तो मैंने बता दिया कि ग्लाइकोसिनोलेट्स अगर 0.5% से अधिक है तो गोइटर, गोइटर यानी घेंघा फैलेगा, लेकिन आपको बताना है कौन से तत्व की कमी की वजह से घेंघा फैलता है। धनजी सिंह यादव, एजीटीए कब आएगा? बस प्रभु की इच्छा जब होगी तब आएगा, हम संडे को काम भी हो जाएगा और मस्ती भी, गुड आइडिया, हाँ यही सोचा गया है। चलो ठीक है, चलो तो
तो अपर लिमिट कितनी रखी गई है ग्लाइकोसिनोलेट्स की, सरकार ने कितना कहा है 0.5% से ज्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद वैरायटीज की बात करें तो रैपसीड में वैरायटीज की अगर बात करो तो रैपसीड में पहले बात करें ब्राउन सरसों, भूरी सरसों की, तो भूरी सरसों की एक वैरायटी फेमस है पूसा कल्याणी। पूसा कल्याणी भूरी सरसों की वैरायटी, जबकि पीली सरसों की जो वैरायटी है वो है बेनोआए। अच्छा, भूरी सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है? बेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी सरसों। अब बेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी सरसों ही वैरायटी येलो सरसों की भी, यानी अगर रैपसीड की बात करोगे तो भाई साहब बेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी सरसों ही उसका क्या रहता है, साइंटिफिक नेम रहता है। बाबा जाने मन की बात, ये बाबा नहीं मानेंगे आज। चलो, मस्टर्ड राई या इंडियन मस्टर्ड जिसे आप कहते हो ब्रेसिका जंतिया, तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में दो तरीके की सरसों पाई जाती है, एक को आप बोलते हो पीली सरसों और एक को बोलते हो आप कैसी जो है ब्राउन सरसों, ठीक है। पीली सरसों, ब्राउन सरसों, तो भूरी सरसों की वैरायटी है कल्याणी, पीली सरसों की वैरायटी है बेनोआए। इसके अलावा मस्टर्ड या राई जिसे आप कहते हो या इसे इंडियन मस्टर्ड कहते हो या इसे कहते हो ब्रेसिका जंतिया, इंडियन मस्टर्ड या राई को क्या बोलते हैं, ब्रेसिका जंतिया बोलते हैं। और ये ब्रेसिका जंतिया की जो वैरायटी है क्रांति, पिक्चर देखे हो ना क्रांति। इसके अलावा वरुणा पूछी जाती है, वरुणा वगैरह वैरायटी सरसों की बहुत फेमस वैरायटी है, रोहिणी, पूसा बोल्ड और RH30, ये वैरायटीज है जिसमें सबसे ज्यादा जो अभी तक पूछी गई है वो पूछी जाती है वरुणा और पूसा बोल्ड। तो वरुणा और पूसा बोल्ड दोनों वैरायटी किसकी है, दोनों की दोनों वैरायटी है मस्टर्ड की या राई की, क्लियर, मस्टर्ड या राई की, ठीक है। हाँ, काली सरसों कह लो। चलो, न्यू रिलीज वैरायटी ऑफ मस्टर्ड की अगर बात किया जाए, जो नई नई वैरायटी है उनकी बात किया जाए, सुरभि अवस्थी ने बताया है आयोडीन, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आप लोग भी फोकस करो, बैठ के बकैती करो, लेकिन साथ में जो मैं पूछता जाऊं उस पे ध्यान देते जाओ। मैंने कहा था गोइटर किसकी कमी से होता है, कौन से तत्व की, तो सिर्फ एक आंसर आया है कि आयोडीन की कमी से होता है, बहुत बेहतरीन। और पता, हमको पता है कि इसमें मैक्सिमम लोग हैं जिनको ये बात पता है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। भाई छोटे छोटे बच्चों, अब तो इतना टेलीविजन सीरियल में दिखा दिए थे आयोडीन नमक वाले प्रचार कर करके, घेंघा रोग की कमी, घेंघा होता है आयोडीन की कमी से, तो आप सबको पता है, लेकिन बस यही एक आंसर देने में थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं आप लोग। न्यू रिलीज वैरायटी ऑफ मस्टर्ड की बात करो तो नई नई वैरायटी बहुत सारी निकल गई है। लक्ष्मी निकली है आशीर्वाद, लक्ष्मी आशीर्वाद, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहेगा। तेल देख ही रहे हो कितना महंगा है, तब सरसों का तेल इतना महंगा है, तो बस जो उगा रहा है लक्ष्मी आशीर्वाद उसको लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भयंकर वाला पैसा कमाता है। वसुंधरा, तो भाई साहब वसुंधरा भी है, वरुणा भी है, इसी की वैरायटी बसंती। कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी क्योंकि वो तेल की वैरायटी है ना, कुत्तों के सामने कहा नाचेगी, कुत्तों का तेल हजम नहीं होता, अब घी नहीं होता तेल मान लो भाई। पूसा जय किसान बहुत बार पूछी जाने वाली वैरायटी है, तो याद कर लो पूसा जय किसान। NRC HB 506 भी बहुत फेमस वैरायटी है। अच्छा, इन सब के बारे में जो बहुत दोनों फेमस है इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमने कहा कि पूसा जय किसान बहुत फेमस वैरायटी है, तो आप कहोगे काहे फेमस है, क्योंकि भाई साहब ये हमारी इट इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ ब्रेसिका जंतिया डेवलप्ड इन वर्ल्ड बाय प्रोफेसर वीएल चोपड़ा एट आल विद द हेल्प ऑफ बॉटनिकल बायोटेक्नोलॉजी इन द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो कह रहे भाई साहब ये पहली अंधापन ड्रॉपसी डिजीज, ड्रॉपसी अभी आएगा, अभी वो तो बात की बात है, हम लोग पढ़ेंगे जब वीड वगैरह तब ड्रॉपसी डिजीज के बारे में समझाएंगे। चलो अभी बात समझो, हम बता रहे पूसा जय किसान वैरायटी की बात। तो पूसा जय किसान जो हमारी वैरायटी है, पूसा जय किसान वैरायटी हमारी कैसी है, पहली बात तो ये किस हाइब्रिडाइजेशन से बनी है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई वैरायटी है। कौन सी उसकी वैरायटी है, तो ब्रेसिका जंतिया की, यानी जिसे हम राई बोलते हैं, काली सरसों बोलते हैं उसकी वैरायटी है, इंडियन सरसों बोलते हैं उसकी वैरायटी है। विश्व में पहली बार डेवलप की गई थी किसके द्वारा, बायोटेक के द्वारा, यानी जैव जो है प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित विश्व की पहली वैरायटी ब्रेसिका जंतिया की कौन सी बनाई गई, वो बनाई गई पूसा जय किसान। किसने बनाई थी, वीएल चोपड़ा ने बनाई थी, वीएल चोपड़ा ने बनाई थी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। इसके बाद अगर बात करें दूसरी वैरायटी है NRC HB 506, ये भी बहुत फेमस वैरायटी है, पूछोगे क्यों, DMH 11, उसके बारे में भी अभी बताएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये बायोटेक से बनी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की वैरायटी पूसा जय किसान। DMH 11 के बारे में भी, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, उसके बारे में भी अभी बताएंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई है। NRC HB 506 ये पहली हाइब्रिड वैरायटी है मस्टर्ड की इंडिया में। आपसे अगर पूछे भारत में विकसित पहली सरसों की वैरायटी हाइब्रिड कौन सी बनाई गई, तो कौन सी बनाई गई है बता दो फटाफट, NRC HB 506। ठीक है, चलो इसके बाद
एनआरसीएच भी 506 कहां बनाई गई है, तो डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रैपिड एंड मस्टर्ड रिसर्च कहां पर है, यह भी पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। डायरेक्टरेट ऑफ रैपिड एंड मस्टर्ड रिसर्च कहां पर है, तो भाई साहब ये है भरतपुर राजस्थान में। डायरेक्टरेट ऑफ रैपिड एंड मस्टर्ड रिसर्च कहां है, भरतपुर राजस्थान में है। 2009 में इसने सबसे पहली वैरायटी हाइब्रिड की बनाई मस्टर्ड की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एनआरसी एचबी 506 नेशनल रिसर्च सेंटर हाइब्रिड वैरायटी किसकी, 506 सरसों की। ठीक है चलो इसके बाद नीचे 506 एनआरसी 506 एनआरसी एचबी 506 एनआरसी एचबी 101 एबी हाइब्रिड वैरायटी है, लेट स्विंग है और इरिगेटेड एरियाज में उगाई जाती है, कहां के, मध्य प्रदेश यूपी और राजस्थान के। ठीक है चलो 00 वैरायटी पूछी जाती है, 00 तंबाकू भी आती है कि नहीं, तो 00 तंबाकू भी आती है, तो आप लोग निश्चिंत रहो 00 या इसी को दूसरा नाम होता कैनोला, तो 00 या कैनोला किसकी वैरायटी है, ये भाई साहब मस्टर्ड की वैरायटी है। इसमें खासियत क्या इसकी है, तो इरियूसिक एसिड इसमें जो हानिकारक चीज है वो 3% से कम पाई जाती है, इरियूसिक एसिड 3% से कम पाया जाता है। ग्लाइकोसिनोलेट्स बहुत मोल से भी कम पाया जाता है क्या, इसमें ग्लाइकोसिनोलेट्स 30 माइक्रोन से भी कम पाया जा रहा है, इसका मतलब बहुत ही कम पाया जा रहा है, इसीलिए वैरायटी बहुत बेहतरीन है और ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी कतई, क्योंकि इसमें जो है ग्लाइकोसिनोलेट्स और इरुसिक एसिड बहुत ही कम मात्रा में पाए जा रहे हैं। 00 वैरायटी है, इसी का नाम होता है कैनोला, तो पूछी जाती है 00 किसकी वैरायटी है, और तंबाकू ऑप्शन में हमेशा रखा रहता है। यूपी कैडेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो प्री पीजी के लिए। एग्रीकल्चर बॉय ऋतिक मंडे से आप मिलिए एमसीक्यूज में, और मंडे से आप मिलिए, और जब तक आपका ये होगा तब तक आपके जान लीजिए यूपी कैडेट के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जहां से क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, बस आप तब तक रेगुलर क्लास में रहकर एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए हमारे साथ। ठीक है सारी सब्जेक्ट्स में, और ये भी याद रखो एमसीक्यू इस बार मैं लेकर आऊंगा तो मैं सब्जेक्ट पहले से अनाउंस कर दूंगा कि हाँ कल ये सब्जेक्ट रहने वाली है, वो सब्जेक्ट आप थोड़ा सा रिविजन करके आएंगे फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है और ये शुरुआत में एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर हम लोग पहले अवॉइड करेंगे, बहुत तुम लोग एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर पढ़ लियो, थोड़ा सा दूसरी सब्जेक्ट्स को भी मौका दिया जाए। ठीक है आरईओ के लिए आरएईओ के लिए ऑब्जेक्टिव बुक बता दीजिए सूर्या ठाकुर, आरएईओ के लिए आप ऑब्जेक्टिव बुक में एसआर कांतवा भी ले सकते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर्स आप एग्री वर्ल्ड नाम की किताब आती है पीडी चौधरी की उसको ले सकते हैं, उसमें अच्छे खासे एमसीक्यूज हैं और उसको सॉल्व करिए आप, एमसीक्यू आपको जहां मिल जाए वहां आप सॉल्व करिए, ऑनलाइन में मिले ऑनलाइन सॉल्व करिए, किताब लेकर सॉल्व करिए। ठीक है आरईओ के लिए भी बता दिया सूर्या ठाकुर ना, अरे यार जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे एग्रीकल्चर के तो वो चाहे आरईओ का एग्जाम आपको देना हो या आपको यूपी कैडेट का एग्जाम देना हो, हर उसके एग्जाम के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना हर तरीके के, तो एकदम निश्चिंत रहे आप, चाहे आप एनजीटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं आरईओ की एग्जाम दे रहे हैं या इसके अलावा बिहार में जो वैकेंसीज आने वाली है उड़ीसा में जो वैकेंसीज आई है या हर जगह के एग्जाम के लिए क्वेश्चन सिमिलर ही रहते हैं, आप निश्चिंत रहो एग्रीकल्चर जहां आती है वो एक ही जैसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको बॉटम से लेकर टॉप तक की तैयारी आपको इसी में करवा दूंगा। ठीक है एसआर कांतवा एंटोपैथो एमसीक्यू एसआर कांतवा करा दो एंटोपैथो के, मैं एसआर कांतवा बता के क्यों करवा दूं, आप नकल मार लोगे आंसर मेरे, तब तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको किताब नहीं बताऊंगा। ठीक है माइनर से ज्यादा क्वेश्चंस आता है प्लांट साइंस से ना, हाँ एकदम प्लांट साइंस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं माइनर से। चलो हम लोग एनआरसीएच भी 500 से सारे 00 तक पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। चलो इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करें जीएम मस्टर्ड। ठीक है तो जीएम मस्टर्ड की बात किया जाए, ये है अपना क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड है परिवर्तित है, जेनेटिकली परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है तो डीएमएच 11 जो है ये वैरायटी बनाई गई सबसे पहली, कैसी, ये जीएम प्लांट, जैसे आप बीटी कॉटन पढ़ते हो ना वैसे मस्टर्ड का जो जीएम प्लांट है वो क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है, वो क्या है डीएमएच 11 नाम की वैरायटी। किसने बनाया था इसको, तो भाई साहब डीयू ने बनाया, डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, पूछा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया था। ठीक है चलो इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है मस्टर्ड की, डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन क्रॉप प्लांट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट है उस डिपार्टमेंट ने बनाया था। रिसर्च इसमें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की और हाइब्रिडाइज्ड मस्टर्ड को बनाया डीएमएच 11 को, टेक्निक यूज की बार्नेज या बास्टर टेक्निक यूज की जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। ठीक है बार्नेज या बास्टर टेक्निक में होता क्या है भाई साहब, इसमें पर्टिकुलर एक जीन को हटाकर उसकी जगह पर नया जीन बिल्ड किया जाता है,
एक नए तरीके की टेक्निक है, बार्नेसियाबास्टर टेक्निक, उसी का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद हर्बिसाइड। अच्छा, इसमें क्वालिटीज क्या फिर डाली गई, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें क्वालिटी बढ़ाएंगे ना, तो पहला तो इन्होंने कर दिया इसको हर्बिसाइड के ऊपर टॉलरेट, यानी अब आप खेत में खरपतवार डालोगे तो कम से कम मस्टर्ड को खुद खरपतवार नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खरपतवार नाशी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खरपतवारों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो हर्बिसाइड के ऊपर रेजिस्टेंट बना दिया, टॉलरेंट बना दिया। इसके अलावा फरवरी 2016 में, अच्छा एक खास बात और, अभी तक किसी भी खाने वाली वेराइटी को जीईएसी क्या है, जीईएसी ये है क्या, ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये एक प्रकार की कमेटी है जो क्या काम करती है, ये जो है जितनी भी हमारी फसलें होती हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया है उनको अप्रूव करने का काम करती है कि ये देश में उगाए जाने हैं या आगे नहीं उगाए जाने हैं। चूंकि इनके भविष्य में होने वाले खतरों के विषय में हमें बहुत जानकारी नहीं रहती है, इसीलिए गवर्नमेंट या जीईएसी जो हमारी संस्था है वो खाने वाली चीजों को, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को उगाने की अनुमति प्रदान नहीं करती, रिसर्च करने की अनुमति है और बाकी उगाने की अनुमति प्रदान नहीं करती है। लेकिन फरवरी 2016 में कपास और रबड़ इन सब चीजों में तो अनुमति जीईएसी दे देता है आसानी से, लेकिन खाने वाले प्रोडक्ट में जीईएसी ने पहली बार कॉमर्शियली प्रोडक्शन को अनुमति दे दी, किसके, मस्टर्ड धारा, मस्टर्ड हाइब्रिड 11 यानी डीएमएच 11 को दे दी, और इसकी उत्पादकता भी, उत्पादन भी क्या था, 30% ट्रेडिशनल मस्टर्ड से ज्यादा हो रहा था, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट भी था ये। ठीक है, धरना देना चाहिए सर हम लोग को मिलकर, किस चीज के लिए धरना देने इच्छुक हैं अभय भाई, टेस्ट सीरीज में ऐड कर दीजिए। ठीक है, अच्छा वो मैसेज डाला है आशुतोष ने, ठीक है ठीक है। धरना देना है किसके लिए, एजीटीए के लिए, सीड रेट 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है कि धरना देने से आपके इफेक्ट पड़े, मेन चीज है ये, तो आप अगर धरना देते भी हैं तो सरकार को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन चूंकि छोटी है और सरकार को बड़ी पॉपुलेशन ही नजर आती, छोटी पॉपुलेशन नजर नहीं आती है, लेकिन निश्चिंत है कि रहिए कि वैकेंसी लगी हुई तो आएगी जरूर, तैयारी अपनी बेहतर करके रखिए भैया, नौकरी मिलनी तो है ही है, एग्जाम वो आज करवा लें तब उनको नौकरी 2 साल बाद देनी होगी, तो हमारे वाले देख ही रहे हो, 18 में एग्जाम करवाए थे, 21 में ज्वाइनिंग दिए थे, 19 में एग्जाम, 18 में फॉर्म भरवाए थे, 19 में जो है एग्जाम करवाए थे, 21 में जो है उसका रिजल्ट दिए थे, 21 में ज्वाइनिंग दिए लास्ट में, 21 खत्म होने वाला था तब, समझ रहे ना, तो कोई मतलब नहीं है, आप धरना दे दोगे, वैकेंसी करवा भी देंगे तो क्लियर करने में 2 साल लगा देंगे, उनको जब नौकरी देनी होगी देंगे वो तभी। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा, हाँ बस ये संतुष्टि रहेगी, चलो भाई अब कुछ और तैयारी किया जाए, तो बेहतर ये है कि लगे रहो पढ़ाई में, जो भी वैकेंसी आती जाए एग्जाम देते जाओ, एक के चक्कर में ना पढ़ो, अभी आपके सामने एमपी वाला एग्जाम है, फटाफट भर के फॉर्म और एमपी वाला एग्जाम दो, एमपी वाला एग्जाम देना ही है आप लोग को। ठीक है, एमपी वाला फॉर्म भर दिए कि नहीं, तो जो वैकेंसीज आती जाए, अभी देखो शायद छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आई है, अभी आरएईओ जैसी ही, मतलब आरएईओ वहां की आरएईओ भी आती है, तो वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो है उड़ीसा की वैकेंसी आने वाली है, बिहार में वैकेंसीज जो है अच्छी वैकेंसीज आने वाली 4600 ग्रेड पे की, यूपी में सीनियर टीए वगैरह की और सीनियर शुगर केन ऑफिसर की, और इसके अलावा जो एसडीओ की वैकेंसीज आने वाली है कुछ दिन में, तो सब वैकेंसीज लगी हैं, 1-2 साल के भीतर आएंगी, आप अपनी तैयारी को बूस्ट करके रखिए और टीए पर अटक के मत रहिए कि टीए ही करना है, टीए बहुत छोटी नौकरी है, आप करोगे ना तो उसके बाद भी दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, तो पहले से तैयारी इतनी अच्छी रखो कि जब अगली वैकेंसी आए तब आप पहली बार में ही फोड़ डालो। ठीक, चलो डिजीज की बात किया जाए, 5 किलोग्राम मस्टर्ड का सीड लगता है, चलो ठीक है, डिजीज की बात किया जाए तो अल्टरनेरिया ब्लाइट या ब्लैक स्पॉट क्यों लगता है, अल्टरनेरिया ब्रेसिकाई या अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला के कारण ये लगता है, स्क्लेरोटियम स्टेम रॉट किसके कारण लगता है, स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटियम के द्वारा लगता है, क्लब रूट क्यों लगता है, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्लब रूट, क्लब रॉट, ठीक है, क्लब रूट क्यों लगता है, प्लाज्मेडिपोरा ब्रेसिकाई, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, बाकी ये फंगस था, ये भी फंगस था, ये बैक्टीरिया है, याद रखना, क्लब रूट क्यों लग रहा है, बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये भी बैक्टीरिया है, ज़ेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस कंपेस्ट्रिस इसके कारण लगता है। एफओ बेस्ट जॉब है, अगर आप सिटिंग जॉब करना पसंद करते हैं तो एफओ अच्छी जॉब है, पैसा अच्छा देती है, अगर आप फील्ड वर्क करना पसंद करते हैं तो आपको एफओ नहीं पसंद आएगी, क्योंकि बहुत जो है ऐसी जॉब है, 9 to 5 जॉब है वो, एकदम आपको सुबह जाके शाम को आना रहेगा, लाइफ खत्म है उसके बाद, बस उसी में रह जाएंगे आप, ये है। एजीटीए वगैरह वाली जॉब ऐसी है कि इसके बस साथ में आप अगर कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं।
ऐसे जो है ये थोड़ा सा फायदा रहता है। बाकी पैसा अच्छा खासा एफओ में आपको मिल जाता है, छुट्टी भी ठीक ठाक दे देते हैं, आप घूम टहल सकते हैं, ठीक है। तो बैंक वाले तो नौकरी करवाते अच्छे से हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने कुछ डिजीज पढ़ लिए, कौन कौन से डिजीज पढ़े हमने, अल्टरनेरिया ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्रेसिका इसे होता है, स्क्लेरोटियम स्टेम रॉट किसके होता है, स्क्लेरोटिया स्क्लेरोटिया स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटियम से होता है, क्लब रॉट होता है प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिका इसे, बैक्टीरियल ब्लाइट या लीफ स्पॉट या ब्लैक रॉट इसी को बोलते हैं, जेंथोमोनास कंपेस्टिस कंपेस्टिस से होता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग में लगने वाला रोग है, ये होता है किससे, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से और राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। इसके अलावा जो है सॉरी फ्यूजियम अफानिडर में फ्यूजियम से हो सकता है, या इसके अलावा यहां पर होता है पाइथियम पाइथियम अफानी डर्मेटम इससे भी होता है, पाइथियम अफानी डर्मेटम ठीक है, इससे भी रोग लगता है, बेसिकली इसी से लगता है, पाइथियम अफानी डर्मेटम से ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू पेरनोस्पोरा पेरासिटिका से लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू रिसिफी पालिगोनी से लगता है, व्हाइट रस्ट आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रोग है, किससे लगता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा से लगता है ठीक है। आपके एग्जाम में सरसों में पूछा जाने वाला सर्वाधिक रोग यही पूछा जाता है, व्हाइट रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा ठीक है। चलो इसके बाद बात करें जरा हम इंसेक्ट की, बात कर लो कीड़ों की भाई, बात कर लो। चलो इंसेक्ट में मस्टर्ड स्टाफ फ्लाई भाई साहब एक लगता है सीडलिंग स्टेज में, इसके अलावा मस्टर्ड एफ्यू लिपापेसिरिसिमी भी सीरियस पेस्ट है, ये लिमिटिंग फैक्टर है बहुत ज्यादा, पेंटेड बग यानी बोग्राडा क्रूसिफेरम लीफ माइनर भी लगता है, डायमंड बैक मॉथ जिसे आप बोलते हो क्या, टूटेला जाइलोस्टेला, तो ये सब भी रोग मतलब कीड़े लगते हैं किसमें, मस्टर्ड में क्रूसिफेरी वाले कुल के पौधों में ठीक है। इसके बाद अगली फसल की अगर हम बात करें तो इसके बाद होता है तिल, तिल या इसे बोलते हैं सीसम ठीक है। तो भाई साहब साइंटिफिक नेम क्या है सीसम का, सीसम इंडिकम है, पेडलियेसी इसकी फैमिली है, पॉपुलरली इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ आयल सीड, भाई साहब तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है किसको, तिल को, हाई डिग्री क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई डिग्री किसकी ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है जो जीवन शक्ति है, क्या है जीवन शक्ति, जीवन क्षमता, लंबे समय तक जिंदा रहने की शक्ति ठीक है, ये होती है रेंसिडिटी, इसमें ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी की बहुत लंबी प्रक्रिया है, इस वजह से इसको क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है। द एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट इसमें कौन से पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, नाम सब जो है इसी से आपको मिल जाएंगे, साइंटिफिक नेम से मिले हुए सीसम से ही, तो सीसमिन हो सकता है, सीसेमोलिन हो सकता है, सीसेमॉल हो सकता है ठीक है, ये इसमें जो है लगते हैं कौन से एंटी ऑक्सीडेटिव एजेंट है ठीक है। ग्लाइकोसिनोलेट्स इसमें सिसेमिनॉल ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, टोकोफेराल पाया जाता है इसमें, और ऑयल वेरी स्टेबल देयरफॉर इट इज लॉन्ग सेल्फ लाइफ। देखो समझो बात को, जीवन क्षमता तिल की बहुत ज्यादा होती है, जल्दी खराब नहीं होता है, एक बार तिल का तेल आप आराम से रख लो लंबे समय तक चलेगा, एकदम लंबी जो है जिंदगी है इसकी। सिसेमिनॉल ग्लूकोसाइड्स पाया जाता है, इसकी वजह से ये इसमें एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट पाए जाते हैं बहुत सारे, इसकी वजह से जल्दी ये खराब नहीं होता है ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद ही चीजें खराब होती ना, जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो चीजें खराब नहीं होंगी, तो तिल का तेल आसानी से खराब नहीं होता है ठीक है। तिल बहुत इसीलिए पूजा भी जाता है, सबसे पुराना जो है ऑयल सीड क्रॉप है ये, ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है ये भारत में ठीक है। इसके बाद सीसम हैज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑयल कंटेंट, 50 से 60% तक तिल में तेल पाया जाता है, कितना 50 से 60% तक तिल में तेल पाया जाता है, और अच्छी खासी मात्रा में इसमें पूफा पाया जाता है। पूफा क्या है, ये होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसमें भी पूफा में भी कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, लिनोलिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है, 37 से लेकर 45% तक अकेले इसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सीसम को हम लोग हिंदू कल्चर में सिंबल ऑफ इमोर्टेलिटी के रूप में, अमरता के प्रतीक के रूप में हम लोग इसकी पूजा करते हैं। अब देखते हो आप लोग के यहाँ, मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ एक पूजा होती है सकट पूजा, वो मम्मी लोग जो है हम लोग के लिए व्रत रखती है वो वाली, तो उस पूजा में तिल का सब कुछ बनाया जाता है, आपके यहाँ अलग अलग नाम से वो पूजा की जाती होगी, सबके यहाँ की जाती है, मम्मी लोग व्रत रहते हैं जब बच्चों के लिए, तो वो वाली पूजा रहती है, उसमें तिल वगैरह का सारा खेल रहता है, तिल की पूजा होती है। तो तिल क्यों पूजा जाता है हिंदू धर्म में, क्योंकि तिल जो है इमोर्टेलिटी का प्रतीक है, क्योंकि तिल बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है, खराब नहीं होता है, इसी वजह से उसको इमोर्टेलिटी के प्रतीक के रूप में हम लोग अपने पास रखते हैं ठीक है। इसके बाद इसको बटर ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है, बटर ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है इसी को ठीक है।
सीसम ऑयल कैन ट्रिगर्ड एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, किसी किसी को तिल के तेल से एलर्जी भी हो जाती है, एलर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, तिल हमारा सूखा सहनशील फसल है, लेकिन भाई साहब जलभराव की स्थिति को ये झेल नहीं पाता है, वाटर लॉगिंग के प्रति इंटॉलरेंट है, नहीं झेल पाएगा। ठीक है, हाँ सकट पूजा भाई वो हमारे यहाँ बोला जाता है, अपने यहाँ हो सकता है किसी के यहाँ किसी और नाम से पूजा किया जाता हो। ठीक है, चलो सीसम सीड आर प्रोटेक्टेड बाई कैप्सूल। अच्छा, इस सीसम सीड के बाहर जो है एक ऐसे कैप्सूल का आवरण होता है पतला सा। ठीक है, अच्छा ये कैप्सूल पहले टूटता ही नहीं है, ये तभी टूटता है जब तिल अच्छे तरीके से क्या होता है, राइप हो जाता है, निपक जाता है। जब तक तिल पकेगा नहीं तब तक ये जो है कैप्सूल इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है ये रैप्चर नहीं होगा, टूटेगा नहीं। इस कैप्सूल की वजह से तिल क्या होता है तब तक भाई साहब कंट्रोल में रहता है, तब तक जो है खराब नहीं होता है और जम भी नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है इसके ऊपर कैप्सूल का एक आवरण चढ़ा हुआ है, ब्रश नहीं होगा जब तक ये कंप्लीटली पक नहीं जाएगा। और ऐसी स्टेज को कहा जाता है डेहिसेंस, इसी प्रोसेस को कहा जाता है डेहिसेंस। आप पूछोगे डेहिसेंस क्या है, तो मैंने बताया ना कि भाई साहब डेहिसेंस मतलब होता है लंबी आयु का ही बनना, डेहिसेंस भी कहा जाएगा, लेकिन लंबी आयु किस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा हुआ है और वो जब पक कर तैयार हो जाएगा तभी वो कैप्सूल ब्रस्ट होगा, ऐसी स्थिति को बोला जाता है डेहिसेंस। तिल के तेल को जितना हो सके, यानी तिल की जब कटाई करनी है तो भाई साहब जितना ज्यादा उसको अच्छे सुखा लोगे उतना बेहतर तेल निकलेगा। ठीक है, दूसरी बात, उसको स्टोर करने के लिए भी आपको 6% से कम मॉइस्चर रखनी पड़ेगी, उससे ज्यादा मॉइस्चर इसके लिए बेहतर नहीं रहती है। ठीक है, सरसों का ओरिजिन में भी ब्राजील है क्या? सरसों का ओरिजिन प्लस ब्राजील है। ठीक है, चलो सीसम नीड्स कंटेन द केमिकल लिगनिन सिमेनॉल एंड द पिनोरेजिनॉल्स एंड द लेरिसिनॉल्स। ये कुछ केमिकल लिगनिन पाए जाते हैं सीसम में, कुछ खास काम के हैं नहीं, तुम्हारे काम आने नहीं है, हालांकि नाम से आप जान जाओगे, अगर सिसमिन लिखा है, सिसमेनॉल लिखा है, सिसमेनोलिक लिखा है, समझ जाओगे सीसम की ही बात कर रहा है, तो कंफ्यूज ना हो। इंडिया या चाइना है सरसों का ऑरिजिन? इंडियन मस्टर्ड तो इंडिया में पैदा हुआ है। ठीक है, मैं देख लूंगा उसको। एरिया प्रोडक्शन की बात किया जाए तो इंडिया सेकंड है और म्यांमार जो है तिल के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर म्यांमार है, 2016 का डाटा है ये। इंडिया में गुजरात पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है। इसके पुष्पक्रम को कहा जाता है रेसिम और फ्रूट को कहा जाता है कैप्सूल, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ा होता है कैप्सूल। ठीक है, सीड रेट तिल की 3 से 4 किलो या 4 से 5 किलो भी कहीं कहीं पर लिखी दिख जाती है, आप निश्चिंत रहे, परेशान ना हो। 3 से 4 किलो होती है हमारी लाइन से अगर बुआई कर रहे हो, छिड़काव भी इससे अगर बोगे तो 4 से 5 किलो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप किसी क्रॉप के साथ में या इंटर क्रॉप के तौर पे लगा रहे हो तो मात्र 1 किलो ही बीज दर आपको यूज करनी पड़ेगी, समझ रहे? 3 से 4 किलो अगर आप लाइन से बो रहे हो, छिड़काव भी इससे 4 से 5 किलो, और अगर इंटर क्रॉपिंग में उगा रहे हो तो 1 किलो ही आपको देना पड़ेगा। साउथ वेस्ट एशिया है, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद वेराइटीज तिल की, तो वेराइटीज में तिल में RT46 है, प्रताप है, तो इसमें प्रताप ठीक ठाक है। ठीक है, ये वैरायटीज पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के लिए हैं। इसके अलावा गुजरात में पूर्वा और गुजरात तिल वन ये वैरायटी हैं, गौरी, माधवी, चंदना, ये सब पॉपुलर वैरायटी आंध्रा की हैं। कुछ खास वैरायटीज इसमें है नहीं, तिल विल की वैरायटीज नहीं आपसे पूछी जाती हैं। मेजर डिजीज में आपसे एक ये रोग बार बार पूछा जाता है, थायलोडी डिजीज। 2 क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं बस, क्या किससे हो रहा है, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा से, कौन इसका जो है वेक्टर है, तो लीफ हॉपर। लीफ हॉपर फाइटोप्लाज्मा को पहुंचाने का काम करता है और फाइलोडिजिस होता किस कारण से है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, और फ्लावरिंग स्टेज में लगता है आल फ्लोरल पार्ट, जितना भी फूली वाला स्टेज है वो हरे 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 पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फूल जो है वो पत्ती जैसा नजर आने लगता है, ग्रीन ग्रीन, और ये प्लांट पूरा फिच ब्रूम जैसा नजर आने लगता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए डाई मेथोएट या रोगोर का यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो लीफ हॉपर लगता है, फाइलोडी रोग को फैलाने का काम करता है, टिल हॉक मॉथ या स्फिंक्स मॉथ इसमें मेजर पेस्ट के तौर पर काम करता है, लीफ रोलर भी है, गाल फ्लाई भी है, ये कुछ रोग लगते हैं इसमें, हालांकि ये काम के है नहीं, मतलब ये कुछ इंसेक्ट है, ये पूछा जाता नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट बस इतना है रोग में याद एक करना है कौन सा, फाइलोडी। क्यों लग रहा है फाइलोडी, क्योंकि भाई साहब फाइलोडी लग रहा है फाइटोप्लाज्मा के कारण, क्यों लग रहा है फाइटोप्लाज्मा के कारण, होता क्या है इसमें फूल जो है हरा पत्ती नुमा हो जाता है। ठीक है, हरी पत्ती नुमा हो जाता है फूल। अच्छा,
कौन इसका वेक्टर है, कौन फैला रहा है इसको, तो बस इतना याद रखो लीफ हॉपर इसको फैलाने का काम करता है, इतना आपसे इसमें से तिल से पूछा जा सकता है, ठीक है, जो रोग वगैरह है वो यहां से पूछा जाएगा, क्लियर। चलो इसके बाद बात करें तो तिल हमारा यहां ओवर हो गया, अगला बात करें लिनसीड की, अलसी की, ठीक है। तो अलसी के बारे में समझो, साइंटिफिक नेम है लाइनम यूसिटा टिस्टिमम, क्या है लाइनम यूसिटा टिस्टिमम, क्या है लाइनम यूसिटा टिस्टिमम, दो चार बार बोलोगे याद हो जाएगा, फैमिली लाइनेसी, नाम है लिनसीड, जिसे आप क्या कहते हो अलसी, अलसी है ये, अलसी लाइनम यूसिटा टिस्टिमम साइंटिफिक नेम है, लाइनेसी फैमिली है, दो पर्पज के लिए यूज किया जाता है, एक तो भाई साहब रेशा के लिए यूज होता है अलसी, और दूसरा तेल के लिए यूज होता है, ठीक है, रेशा और तेल दोनों के लिए यूज होता है, रेशा के लिए ज्यादातर यूरोप में यूज होता है, भारत में ज्यादातर तेल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, अलसी उगाते हैं हम लोग तेल के लिए, रेशा इसका कहलाता है फ्लैक्स, क्या कहलाता है फ्लैक्स कहलाता है, इन इंडिया ग्रोन ऑयल पर्पज के लिए उगाया जाता है, और लगभग 33 से लेकर 47% तक तेल इसमें मिलता है आपको, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मस्टर्ड होता है, हाँ मस्टर्ड राजस्थान में सबसे ज्यादा होता, ठीक है। चलो लिनसीड ऑयल इज अ चीप सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, अच्छा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम का एक फैटी एसिड होता है, ये जो हेल्थी के तेल में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, फाइबर इसमें जो पाया जाता है, यानी धागा जो इसे निकाला जाता है, उस धागे को कहा जाता है लिनन, लिनसीड से निकलता है क्या लिनन, लिनन धागे के नाम सुनो लिनन कपड़ा, तो भाई साहब लिनन धागा किससे बन रहा है लिनसीड अलसी से बन रहा है। चलो इसके बाद 30 से 35 किलोग्राम बीज दर लगती है, रबी की फसल है ये भाई साहब, ऑयल कंटेन होता है हाई लिनोलिक एसिड पाया जाता है, 66% से ज्यादा इसमें क्या लिनोलिक एसिड पाया जा रहा है, परफेक्टली ड्राइंग ऑयल है, मतलब ड्राइंग ऑयल है यानी सूखा करने के लिए ऑयल बहुत बेहतरीन है, इसीलिए इसको क्या होता है लॉन्गर टाइम तक इसको स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि सूख जाएगा, लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। अच्छा इसका मुख्यतः यूज कहां करेंगे, सूखा करने वाला है ड्राइंग ऑयल है तो कहां यूज करेंगे, पेंट में, पेंट को लगाएंगे और पेंट तुरंत इसके कारण से क्या होगा आसानी से सूख जाएगी, तो भाई साहब पेंट वगैरह में यूज कर लेंगे, ऑयल क्लॉथ में यूज कर लेंगे, प्रिंट इंक में, प्रिंटेड इंक देखो तुरंत सूख जाए तो बेहतर रहती ना, तो जहां पर ऐसी चीजें हैं जहां पर उसको तुरंत सुखाना है वहां पर एक काम आएगा वर्निश है, या फिर क्लॉथ को रंगना है, या फिर पेंट करना है, या प्रिंटिंग इंक है, इन सब में इसका यूज किया जाएगा क्योंकि ये क्या है परफेक्ट ड्राइंग ऑयल है। इसके बाद इंडिया में मेजर ग्रोइंग स्टेट में मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक उगाता है किसको अलसी को, ठीक है, उसके बाद यूपी उगा रहा है। अच्छा इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर जो है हो रही किस रंग में, रोली रो, ठीक। चलो इसके बाद अगर बात किया जाए तो पैरा और उटेरा ये दो सस्यन है, इसके बारे में जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं पहले से उनको पता होगा, पैरा उटेरा के बारे में मैंने बताया है, कई बार बताया है, पैरा उटेरा और कुछ नहीं भाई साहब रिले क्रॉपिंग का ही दूसरा नाम है, जब चावल के कटने से पहले आप कोई फसल उसमें लगा देते हो तो इसको वेस्ट बंगाल में या बिहार में पैरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको उटेरा कहा जाता है, और लिनसीड ऐसे खेती की जा सकती है, और सीड रेट लेकिन तब आपको 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर देनी पड़ेगी, 30 से 35 किलोग्राम सीड रेट आपको नहीं डालनी है, मात्र 10 किलो सीड रेट लगेगी पैरा उटेरा क्रॉपिंग में, वेस्ट बंगाल बिहार में पैरा, एमपी में उटेरा कहा जाएगा, लिनसीड क्रॉप को चावल की कटाई से पहले उसमें बो दिया जाता है और यह प्रोसेस कहलाता है पैरा उटेरा, क्लियर। चलो इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट वेराइटीज की, तो जवाहर 1, जवाहर 17, नीलम शीतल, सीला मुक्ता, गरिमा, ठीक है, कौन कौन सी वेराइटी है अलसी की, तो देखो आलसी लड़कियां बहुत सारी हैं, कौन कौन सी आलसी लड़कियां हैं, पहला तो भाई साहब नीलम, दूसरी है शीतल, और एक जो जवानी वाली है सीला, और फिर जो है कौन सी है गरिमा, तो ये चार महिलाएं बहुत आलसी, इसके बाद ये चार महिलाएं इतनी आलसी हैं मुक्ता, सारे काम से मुक्त हैं, और भाई साहब जवाहर भाई इन लड़कियों के चक्कर में भी आलसी हो गए, ठीक है, तो जवाहर 1 और जवाहर 17 को लेके आलसी हुए हैं, ठीक है, तो ये कुछ वैरायटी है किसकी अलसी की, क्लियर। चलो ये क्या हुआ यार, एक सेकेंड रुको यार, अचानक से कैसे ब्लर हो गया ऐसे, क्लास को यहीं ओवर करते हैं, जरा मैं बात करता हूं,
मेमोरी कार्ड बता रहा है यार, कैमरे का फुल हो गया है। ठीक है, तो क्लास अपनी वैसे भी क्राफ्ट कंप्लीट हो गई, तो क्लास ओवर ही करना था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आशुतोष। ब्लर हो गया है स्क्रीन, मैंने देख लिया है, और मैं अभी बात करता हूँ। यहाँ पर वो हैं भी नहीं जो स्टूडियो चलाते हैं भैया। ठीक है, तो क्लास यहीं ओवर कर देते हैं हम लोग, और इसके बाद जो है क्लास को आगे ओवर चलाएंगे हम लोग। लेकिन अभी जो है इसको कैमरे को हमें सुधारना पड़ेगा फिर से। ठीक है, चलो ठीक है, ओवर करते हैं फिर हम लोग। कल मिलेंगे यहीं पर, कल नहीं मतलब परसों मिलेंगे, और लेकिन एमसीक्यू की क्लास के साथ मिलेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि आप सभी को, धन्यवाद।